जो कि आपके एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाले अपडेट्स आपको टाइम से मिलते रहे। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा भारत में पर्यावरण आंदोलन पर चर्चा कीजिए। देखिए, 1970 में भारत में पर्यावरण आंदोलन के प्रति काफी जागरूकता बढ़ी क्योंकि पूरे विश्व में लोग ग्लोबल वार्मिंग और वायु प्रदूषण से लोग जूझ रहे हैं। इसलिए भारत में अनेक आंदोलन चलाए गए, जैसे कि चिपको बचाओ आंदोलन और आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन और भी कई आंदोलन आपके चलाए गए। सबसे पहले बात करते हैं चिपको आंदोलन की। देखिए, 1973 में उत्तराखंड के 3 गांव में जब गांव के लोगों ने वन विभाग से मांग की कि हमें कृषि के औजार बनाने के लिए कुछ वनों को काटना होगा तो वन विभाग ने मना कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद खेल बनाने वाली कंपनी ने वन से कटाई का पूरा टेंडर ले लिया। तो इससे क्या हुआ, जो गांव के लोग थे उनमें काफी ज्यादा नाराजगी उत्पन्न होगी और उन्होंने जाके पेड़ों से चिपक गए। तो जब इससे क्या हुआ, जब वो लोग वन काटने के लिए आए तो वो लोग वन नहीं काट पाए। उनकी लोगों की सिर्फ 3 ही मांगी थी कि जल जंगल जमीन पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण ही होगा और सरकार एक न्यूनतम मजदूरी तय करे और रोजगार दे ताकि हम सब अच्छे से काम कर सके। और इस पर सरकार ने एक कठिन स्टेप लिया और 15 साल तक किसी भी बाहर की कंपनी को पेड़ों की कटाई के लिए रोक लगा दी। तो ये था आपका चिपको आंदोलन। इसके बाद हम बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन की, जो कि 1980 में चलाया गया था। 1980 के दशक में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में बहने वाली नर्मदा नदी पर 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया। देखिए, जो इसके समर्थक थे उनका यह मानना था कि इस बांध के बनने से सिंचाई, बिजली और भी कई चीजों में काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा और विकास में भी काफी ज्यादा वृद्धि होगी। इस प्रस्ताव के कुछ समय बाद ही आंदोलन का आरंभ हो गया क्योंकि विरोधियों का यह मानना था कि इस बांध के बनने के कारण 245 गांव तबाह हो जाएंगे और 2.5 लाख से ज्यादा लोग को किसी और जगह पर जाकर स्थान निवास करना होगा और पर्यावरण पर भी इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देखिए, इस बांध को बनाने से तो नहीं रोका जा सका, लेकिन अभी तक यह संघर्ष चल रहा है, अभी तक इसका कोई भी फैसला नहीं हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, रक्षा सूत्र आंदोलन। देखिए, जब चिपको आंदोलन हुआ तो इस पर एक टीम बनाई गई, उसके बाद यूपीएफसी यानी कि उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, ताकि वनों की कटाई पर रोक लगा सके। जब कुछ लोगों ने उस पर सर्च किया तो पता चला कि उत्तर प्रदेश और बहरी में काफी वन नष्ट किए गए हैं। कॉर्पोरेशन की लकड़ी बेचकर उन्हें सूखा बताकर उन्हें जट से काट देती थी, लेकिन बाद में यह पता चला जांच के दौरान कि इनमें जो वन के लोग थे, जो उनकी टीम बनाई गई थी, उन्हीं में से कुछ लोग थे जिन्होंने ऐसा किया था और उन पर जुर्माना भी लगाया गया और उनको सजा भी दी गई। ये लोग क्या करते थे, अपने फायदे के लिए लकड़ी को काट लेते थे जबकि वह पेड़ पूरे हरे भरे होते थे, लेकिन जो आगे बोलते थे कि हमारे ये जो पेड़ है ये पूरी तरह सूख चुके हैं और इसीलिए लकड़ी काट कर ये लोग बेच देते थे। इससे क्या हुआ, जब वन कॉर्पोरेशन की ये खबर फैली कि बिना बात के जो पेड़ काटे जा रहे हैं, तो महिलाएं वहां पहुंची और उन्हें देखकर जो वन के जो लोग थे, वन कॉर्पोरेशन के जो लोग थे, वो वहां से भाग गए और महिलाओं ने 2500 पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांध दिया। और 1996 में कोर्ट ने वनों की कटाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी। तो देखिए, अब हम किसी पर भी इसमें विश्वास नहीं कर सकते, देखिए, क्योंकि जो कॉर्पोरेशन के लोग थे, जो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के जो लोग थे, वो खुद ही उस पर कटाई कर रहे थे, तो हम दूसरों को क्या बोल सकते हैं। तो इसीलिए हमें चारों ओर ध्यान देना चाहिए कि चारों ओर क्या से क्या हो रहा है। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट। इसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की,
कोका कोला के विरुद्ध आंदोलन। देखिए केरल के प्लाचीमाड़ा गांव में कुछ स्थानीय लोगों ने एमएनसी कंपनी कोका कोला के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया, क्योंकि कोका कोला कंपनी को रोज 2 मिलियन पानी भूमि से निकालने और जो वेस्ट था उसको नदी में बहा जाने की मंजूरी थी। लेकिन जो स्थानीय लोग थे उन्होंने शिकायत दर्ज की कि जो नदी का पानी है वो उसका रंग बदल गया रहा है और जो पानी है वो बिल्कुल भी पीने के लायक नहीं है, यानी कि वो पानी प्रयोग के लायक नहीं है। इसीलिए एक शिकायत दर्ज करवाई गई स्थानीय लोगों के द्वारा और फलस्वरूप कोर्ट को उस पर रोक लगानी पड़ी और 2005 में वह प्लांट बंद हो गया। तो ये भी कह सकते हैं कि ये भी एक काफी सक्सेसफुल आपका आंदोलन था। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, अपीको आंदोलन। देखिए ये पॉइंट हम अपना पहले पढ़ चुके हैं, अपना 8th क्लास में 9th क्लास में हम ये काफी बार पढ़ चुके हैं। चिपको, जैसे कि आपका चिपको आंदोलन हुआ था तो इसी को प्रभावित करते हुए एक अपीको आंदोलन चलाया गया। ये आंदोलन कन्नड़ जिले में चलाया गया 1983 में, जब ठेकेदार गांव में पेड़ काटने के लिए आ रहे थे तो वहां की महिलाओं ने पेड़ों को चिपक गई और उससे क्या हुआ, जो वहां के जो ठेकेदार थे वह पेड़ नहीं काट पाए। तो ये भी एक काफी ज्यादा सक्सेसफुल आंदोलन माना गया, क्योंकि इस आंदोलन में काफी जागरूकता दिखाई गई, क्योंकि इस पर काफी नाटक भी बनाए गए ताकि लोग इस पर जागरूक हो सके। तो कह सकते हैं कि ये भी हमारा एक काफी सफल आंदोलन था। इसके बाद हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन। तमिलनाडु के विश्वविद्यालय में पर्यावरण संरक्षण आंदोलन चलाया गया। इसमें सभी को कहा गया कि सभी को दो दो पेड़ लगाने हैं और जो सभी वहां के जो सेवक थे उनको कहा गया कि सभी विद्यालयों में जाकर लोगों को जागरूक करो और सभी को इसमें शामिल करो। और 2013 में पेपर और पोस्टर के माध्यम से यह आंदोलन अब पूरे देश भर में चल रहा है। तो ये भी हमारा एक बहुत ही सक्सेसफुल आंदोलन माना गया है। तो गाइस ये था आपका वो पर्यावरण वाला क्वेश्चन। गाइस जो भी मैंने आपको पॉइंट्स दे रहे हैं इन सभी की आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से इसको लिखिए एग्जाम में, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर अचीव करेंगे। और गाइस मैं चैनल पे और भी लाइव क्लासेस लेके आ रहा हूँ और आप सबके लिए बहुत ही बड़ा कुछ लेके आ रहा हूँ। तो आज के लिए गाइस इतना ही काफी है। गाइस जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि रोज आने वाले अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके। और गाइस वीडियो पसंद आए तो गाइस लाइक करना और कमेंट में उसमें बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊं। और गाइस ये सभी वीडियोस आपको मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेंगी www.jasmineclasses.in। तो आज के लिए इतना ही काफी है। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।